हैवानियत को लेकर देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। दिल्ली एम्स समेत देश के कई अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप हैं। झारखंड में भी कुछ ऐसा ही हाल है। रांची में रिम्स से लेकर दुमका में फूलो जानो मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही देश में डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर भी आंदोलन कर रहे हैं। कोलकाता में दरिंदगी पर देश भर में गुस्सा। शनिवार को डॉक्टर्स की देशव्यापी हड़ताल, आखिर भगवान की सुरक्षा का है सवाल। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस को लेकर सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने साथी डॉक्टर्स का बयान दर्ज किया। इसके साथ ही पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी इस केस से जुड़ी जानकारियां ली। सीबीआई आरोपी से पूछताछ के लिए उसे अपने साथ लेकर गई, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि लेडी डॉक्टर का रेप हुआ या गैंगरेप। वहीं मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। कई मेडिकल संस्थान और कई नामी अस्पतालों में प्रदर्शन हो रहे हैं। 17 अगस्त को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे के लिए देशव्यापी बंद बुलाया है। रांची में जूनियर डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक चौथे दिन भी जारी है। हालांकि इस दौरान रिम्स की इमरजेंसी सेवाएं बहाल रखी गई हैं ताकि मरीजों को परेशानी न हो। जूनियर डॉक्टर्स ने नुक्कड़ नाटक के जरिए अपना विरोध जाहिर किया। मैसेज बस हम लोगों को यही है कि हम लोग के लिए प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है ना। ये सोचिए, आप उस घर के बारे में सोचिए, उस लड़की के बारे में, माँ बाप के बारे में सोचिए कि उन लोगों को कैसा लग रहा होगा। दिन दहाड़े ऐसा होता है कि कई बार अग्रेसिव पेशेंट के जो अटेंडेंट्स होते हैं वो लोग इतना कोई भी पेशेंट का डेथ डिक्लेयर करने जाते हैं, 3-4 सब ऐसे मेल्स आ जाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर के साथ बदतमीजी ही करते हैं। ये सेम इंसिडेंट कल ही हुआ है। देखिए, हमारी रणनीति साफ है, सरकार से हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाए सरकार, सीबीआई जांच के लिए वहाँ पे मान गई है सरकार, लेकिन जैसे कि वहाँ पे बर्बरता हुई है 2 दिन पहले रात के समय, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जाँच की जाए। दुमका में फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर ओपीडी सेवा बंद कर हड़ताल पर है। डॉक्टर्स अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। तो 14 तारीख की रात में जो घटना घटी, इससे जो है डॉक्टर्स लोग बहुत दुखित हो गए या उन्हें आघात पहुंचा, और जो है आज फिर से जो है वे जो है ओपीडी बंद करने का आह्वान किया और वे ओपीडी बंद कर दिए। ऐसे तो जो घटना घटी 9 अगस्त के दिन की रात को, तो वो हमें बहुत हैवी कर चुकी है। कोलकाता में हुई घटना का असर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी देखने को मिल रहा है। सभी डॉक्टर्स, इंटर्न और स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी सेवा को भी बाधित कर दिया गया है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोलकाता की घटना के विरोध में लातेहार सदर अस्पताल के डॉक्टर्स कल हड़ताल पर रहेंगे। डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर शांतिपूर्वक विरोध जाहिर कर रहे हैं। वहीं कल डॉक्टर्स की पूरी तरह हड़ताल रहेगी, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी। महिला चिकित्सक के साथ जो घटना हुई है उसके विरोध में हम लोग जो है आज काला बिल्ला लगा करके प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि जो है महिला चिकित्सक और जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और चिकित्सा पदाधिकारी हैं, उनको जो है सुरक्षा के लिए जो है सरकार जो है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। ये हम लोग वो जो कलकत्ता में जो हुआ है इस तरह का हादसा, उसके चलते हम लोग काला बिल्ला लगा के हैं। डॉक्टर बहुत अनसेफ फील करते हैं ड्यूटी के दौरान, जब इस तरह की घटना होती है। हम लोग बहुत डर चुके हैं कि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। देश भर के डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से शनिवार को अस्पतालों में व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं घटना से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई को खोजने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
कोलकाता की घटना को लेकर धनबाद में भी शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी एक दिवसीय हड़ताल कर अपनी नाराजगी जताई है। SNMMCH में आज OPD बंद रही, हालांकि इमरजेंसी सेवा सुचारू रूप से चलती रही। डॉक्टर्स ने कहा कि यदि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। OPD बंद होने का एक ही कारण है जो RG घर में हुआ, उसके लिए हमें उसके जस्टिस चाहिए। हमें चाहिए जो मैम के साथ हुआ, PG सेकेंड ईयर स्टूडेंट भी हो, जो हुआ नहीं होना चाहिए था, उसके लिए हम लोग को जस्टिस चाहिए। सर, हम लोग को पहले परेशानी हो रही है, पहले आप लोग ये जान लें, हम लोग यहाँ पे दिन रात 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन हम लोग के पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। कभी भी कोई पेशेंट आता है, कभी भी कुछ भी करके चला जाता है। तो बिल्कुल भी सुरक्षा महसूस नहीं कर रहे, मतलब कि वो जहाँ पे काम कर रही थी वो अपना ऑन ड्यूटी में थी, वो जब सेफ नहीं है तो हम लोग तो बाहर बस ट्रेन सड़क में कहीं भी सेफ नहीं है। जब एक डॉक्टर खुद अपने जहाँ पे काम कर रहे वहाँ सेफ नहीं है तो हम लोग तो बाहर का तो उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। अभी जितने भी छात्र इंटर्न जूनियर रेजिडेंट लोग हैं, ये लोग ऐसे स्ट्राइक पर चले गए हैं जो कलकत्ता की दुखद घटना हुई थी उसके विरोध में। तो इस संबंध में मैंने सभी विभागाध्यक्षों को एक पत्र लिखा है कि आप लोग उनके एब्सेंस में अपना अपना विभाग को सुचारू ढंग से चलाने का प्रबंध करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं जूनियर रेजिडेंट या जूनियर डॉक्टर्स, तो इसीलिए इसमें कठिनाइयां तो बहुत आएंगी, लेकिन तब भी हम लोग प्रयास रहेगा हमारा कि हमें इस कमी को दूर कर पाएँ। कोलकाता में हुई घटना को लेकर झारखंड में डॉक्टर्स द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रिम्स के जूनियर डॉक्टर्स भी इस विरोध प्रदर्शन में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर्स ने रिम्स ट्रॉमा सेंटर में कैंडल जलाकर पीड़ित को श्रद्धांजलि दी, बाद में कैंडल मार्च भी किया जिसमें आम लोग भी जुड़े। डॉक्टर्स कल रांची में एक विशाल विरोध प्रदर्शन करेंगे और रैली निकाली जाएगी। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार केंद्रीय प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे जिससे डॉक्टर्स को सुरक्षा मिल सके। काफ़ी लोग के सवाल उठते हैं, सवाल उठाते हैं इस चीज़ को लेकर कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, हमारा OPD सर्विस आपने बंद कर दिया, इलाज को बहिष्कार कर दिया। तो उनको एड्रेस करते हुए हमने ये बताया कि ऐसा क्यों हुआ था। यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक भी इसके विषय में रखा गया था सुबह सुबह, और फिर जनता से भी अनुरोध किया कि वो आके वो श्रद्धांजलि दे, और जनता ने यहाँ पर पूरा हमारा सहयोग दिया। लोगों ने ये कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, जो हम लोग बहुत मास मूवमेंट होगा, वो सारे जितने भी मेडिकल्स के एसोसिएशन है सब मिलके हम लोग यहाँ से IMA भवन तक ये रैली निकालने वाले हैं एक मास। देखिए, ये तो मरीजों की परेशानी है, वो तो सब जान रहा है कि मरीजों की परेशानी है, लेकिन डॉक्टर की परेशानी का क्या? हमारा सवाल ये है, डॉक्टर का परेशानी का क्या होना चाहिए? उसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, हम किससे सोल्यूशन मांगेंगे?